जैन, देखिए आज हम पीजीटी के जो है नेक्स्ट वीडियोज में आ गए हैं। इसके पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमने ये जो है डिस्कस किए थे कि जैसे मतलब हमारे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी को काट करके अलग कर लिया जाए, है ना, यानी उसको हम अलग कर लें, तो उसको जो सीजी है रिमेनिंग पार्ट का वो कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस किया था, है ना। लेकिन आज हम इसमें जो देखेंगे कि जैसे हमारे पास कोई एक एरिया है और वो एक्सिस के लांग है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लांग है, तो उसका जो एरिया है उसको हम कैसे जो है फाइंड करेंगे वो आज हमें इसमें डिस्कस करना है। ठीक, तो जैसे मान लो हमारे पास ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है और इस पर एरिया हमारा, ये एरिया है एक्स एक्सिस पर, है ना, और ये डिस्टेंस हमारी एक्स इज इक्वल टू ए है और ये डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू बी है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक स्ट्रिप्स जो है कट कर लेंगे। ठीक, ये स्ट्रिप्स जो हमने काट लिया जिसकी चौड़ाई यानी ब्रेथ जो है कह सकते हैं वो डी एक्स है, कितनी है डी एक्स, और इसकी जो लेंथ होगी वो वाई एक्स के लांग वाई होगी, है ना, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी एक्स वाई है, लो लाइट चली गई, ठीक दिख रहा है, तो इसमें जो मतलब एक्स एक्सिस के एलांग है ना, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी एक्स और वाई, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट्स और वाई का कोऑर्डिनेट्स ये इसके क्या होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, और हम इसमें जो इसका जी होगा है ना, जो हमने स्ट्रिप्ट जो है काटा है ये इसके कहीं मिडिल पर होगा, कहाँ पर, मिडिल पर। ओके, यहाँ पर ये जी है। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसके जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, और इसका जो हमारा मतलब मास है ना वो बहुत छोटा है यानी डीएम। ठीक, हमने बताया था कि अर्थ के लिए अगर उसका मास अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है ना, अर्थ के लिए, लेकिन अगर कोई हमारे पास स्मॉल बॉडी है उसके लिए उसका मास जो होगा, ठीक है, वो हर जगह इक्वल होता है स्मॉल बॉडी के लिए। ठीक, तो इसमें से हम देखेंगे कि जैसे ये हमारा मिडिल पर इसका जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बहुत जो है मिनिमम होने के कारण उसको उसके हम एरिया को लेंगे, है ना, तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्ट है और रेक्टेंगुलर पार्ट होने के कारण एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। ठीक, तो इसमें से डीएम इज इक्वल टू एरिया लेंगे, तो एरिया यहाँ पर क्या बनेगा, लेंथ क्या है इसकी वाई है और जो इसकी ब्रेथ हमने ली है वो डी एक्स है, तो वाई इंटू डी एक्स इंटू रो, ये इसकी जो क्या होगी, ये इसका मास होगा। तो इस कंडीशंस में हम इसका जो सी जी निकालेंगे यानी एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, यानी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स, है ना, और वाई बार का मतलब वाई एक्स का कोऑर्डिनेट्स, वही उसके क्या होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं। ठीक है, तो एक्स बार इज इक्वल टू इंट्रीगेशन, लिमिट यहाँ पर ए टू बी बनेगी, इंट्रीगेशन ए टू बी, और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तो देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, तो यहाँ एक्स एक्स के अलांग है, तो एक्स तो हमारा क्या होगा, एक्स हमारा पूरा एक्स ही रहेगा, लेकिन जो वाई बनेगा वो वाई जो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसके मिडिल पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है ना। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पर
एक्स, ठीक है, एक्स लेंगे यानी एक्स का कोऑर्डिनेट्स, और डीएम है ना, एक्स डीएम, ठीक, मार्कर जो है डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों? देखिए तो ये यहाँ पर एक्स डी एम अपान इंटीग्रेशन ए टू बी डी एम ये होगा। अब देखिए डी एम की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू ए टू बी और एक्स डी एम, डी एम की वैल्यू क्या है, वाई डी एक्स इंटू रो अपान में इंटीग्रेशन ए टू बी, डी एम की वैल्यू वाई डी एक्स इंटू रो, रो से रो यहाँ पर हमारा क्या हो कैंसिल होगा, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रेशन और एक्स वाई डी एक्स, एक्स वाई डी एक्स अपान में इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स, ये हमारा बचेगा। इस प्रकार से हम एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, सिमिलरली वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स y बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट वही रहेगी a टू b है ना, और यहाँ पर y का हम कोऑर्डिनेट लेंगे तो y अपान टू dm अपान में a टू b लिमिट और यहाँ पर dm हो जाएगा। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट वैल्यू जो रखेंगे dm की तो a टू b और y अपान टू और यहाँ पर y dx अपान में इंटीग्रेशन a टू b एंड y dx रो, यहाँ पर रो से रो क्या होगा कैंसिल होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट जो y एक्स का कोऑर्डिनेट्स आएगा वो इंटीग्रेशन a टू b y स्क्वायर बाई टू dx अपान में इंटीग्रेशन a टू b y dx, ओके। तो ये हमारा एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहां से निकल करके आएगा, ठीक। तो इस बेस पर हम एक क्वेश्चन जो लेते हैं है ना, तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास इसको नोट करना और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के पहले सेम एक और जो है इसमें प्रोसेस समझ लीजिए, जैसे मान लो अगर हम यही एरियाज को वाई एक्सिस के अलांग कर दें, ऐसे कर दें है ना, ये वाई एक्सिस के अलांग है और ये एक y इक्वल टू ए बनेगा और ये y इक्वल टू बी बनेगा है ना, और इसमें हम एक छोटी सी स्ट्रिप्स जो है कट करेंगे जिसका कोऑर्डिनेट्स यानी p x y हैं और इसका जो g होगा वो इसके मिडिल पर होगा और इसकी जो ब्रीथ बनेगी यहाँ पर dy वाई बनेगी क्योंकि उसकी क्या थी dx थी क्योंकि x एक्स के अलांग था, तो ये यहाँ पर y एक्स के अलांग है इसलिए इसकी ब्रीथ जो होगी वो dy होगी, ठीक। तो यहाँ से अगर हम dm की वैल्यू निकालेंगे तो dm की वैल्यू यहाँ पर बनेगी ब्रेथ इंटू लेंथ, लेंथ क्या है इसमें, लेंथ यहाँ पर देखिए y पर है तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x यहाँ पर क्या होगा हाफ होगा है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक x बाई टू और y कम्प्लीटली पूरा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से dm जो बनेगा dm हमारा dy इंटू, ठीक है, और लेंथ इसकी क्या है x एक्सिस है ना, तो x इंटू रो, ये इसकी जो dm का जो मतलब मास है वो इतना बनेगा, ठीक। तो y एक्सिस में हम जब लिमिट लेंगे तो लिमिट हमारी a टू b यही रहेगी और यहाँ पर x बार हम फाइंड कर रहे हैं तो x बार क्या होगा,
यानी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एक्स बाई टू, और यहाँ पर डी एम की वैल्यू रखेंगे डी वाई एक्स डी वाई इंटू रो अपान में ए टू बी डी वाई इंटू एक्स रो, रो से रो कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स स्क्वायर बाई टू डी वाई अपान में ए टू बी लिमिट बनेगी, और यहाँ पर एक्स डी वाई। ओके, तो ये हमारा एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट आ जाएगा कब, जब हमारा कोई जो है एरिया हम वाई एक्स के अलांग प्लाट करें, ठीक है। और सिमिलरली वाई बार इज इक्वल टू कैसे आएगा, तो इंटीग्रेशन ए टू बी, और यहाँ पर यानी कि हमें वाई का कोऑर्डिनेट्स लेना होगा, तो यहाँ पर वाई और डी एम की वैल्यू एक्स डी वाई रो अपान में ए टू बी, और डी एम की वैल्यू डी वाई एक्स रो, है ना, तो रो से रो कैंसिल होगा तो वाई बार इज इक्वल टू ए टू बी एक्स वाई डी वाई अपान में इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है, क्या बचा यहाँ पर एक्स डी वाई। तो ये हम जब हमारा एरिया एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के प्लाट जो एलांग प्लाट किया जाए तब ऐसे जो है निकाल सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन जो है इसके बेस पर हम एक देखेंगे, जैसे मान लो कह दिया जाए कि एक हमारे पास पैराबोला है, क्या है पैराबोला, ठीक है, और वो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स है, ठीक। हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, ये गिवेन है, ठीक। थोड़ा यार मार्कर हमारा डिस्टर्ब है, इसको थोड़ा बनाते हैं, ठीक है। देखिए, तो जैसे हमने पैराबोला की इक्वेशन लिया है ना, और इस पैराबोला की इक्वेशन में हमारा जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स यानी कि x एक्सिस के अलांग बनता है ना। अब ये इसका लेटेस्ट रेक्टम है, ये इसका क्या है लेटेस्ट रेक्टम, ठीक, इसको लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं, ठीक। और ये ए हम इसको मान लेते हैं डिस्टेंस, ये ए जीरो जो है इसका फोकस है, ठीक है। तो हम कह दें कि फाइंड द सीजी ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कह दें फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, यानी हमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया लाई कर रहा है वो हमें एरिया का जो है सीजी निकालना है। तो हम इसमें स्ट्रिप्स काट लेंगे, और इस स्ट्रिप्स का जो जी होगा वो कहीं यहाँ पर होगा, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई होंगे, है ना। तो इस सिचुएशन में हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट जो बनेगी एक्स बार के लिए वो जीरो टू ए, जीरो टू ए बनेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स एक्स की ही लिमिट लेना है, तो एक्स की यहाँ जीरो है और ए है, ठीक। तो यहाँ एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट रखेंगे, तो एक्स एक्सिस का क्या होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू वाई डी एक्स अपान वाई डी एक्स, यही निकाले थे हम, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कोई दिक्कत है क्या, तो यहाँ पर
अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4x है ना, लेकिन y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके आएगी, रूट 2x आएगी, यानी 2√x है ना। तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 यहाँ बाहर हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 0 to a और x के पावर 3/2 अपान में x के पावर 1/2 0 to a और dx, ये हमारी लिमिट यहाँ पर बनेगी। ठीक, तो जब हमारी ये लिमिट बनेगी तो यहां से अब इसको हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना मिलेगा, एक्स के पावर 5/2 और अपान में 5/2 और यहां पर एक्स के पावर 3/2 अपान में 3/2, ये हमें मिलेगा है ना। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2/5 और ये हमारा 2/3 और x के पावर 5/2 और लिमिट हमारी 0 to a होगी और यहाँ पर x के पावर 3/2 लिमिट 0 to a होगी। ठीक है, तो यहाँ से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट 3/5 ब्रैकेट में, अब यहाँ लिमिट a रखेंगे तो a के पावर 5/2 अपान में a के पावर 3/2, ये हमारा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स आ गया जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, बिल से ऑफ x एक्सिस कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो सिमिलरली हम y एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो फाइंड करेंगे तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स y बार इज इक्वल टू, y के कोऑर्डिनेट्स क्या है इसमें, y के कोऑर्डिनेट्स y/2 होगा है ना, यानी y/2। ठीक, और y/2 और इसमें y dx अपान में इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन y dx। ठीक, ठीक, तो यहां से हमें तो ये हमारा लिमिट ए 0 to a यही रहेगी और ये हमारा इंटीग्रेशन 0 to a वाई स्क्वायर डी एक्स अपान टू अपान में 0 to a वाई डी एक्स ये मिलेगा। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 4x है, तो 0 to a और वाई स्क्वायर यानी कि 4x डी एक्स अपान में इंटीग्रेशन 0 to a वाई की वैल्यू 2√x डी एक्स ये मिलेगी। तो दिस इम्प्लाइज दैट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर 2 है, तो 2 2 जब 4, 2 से 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो आएगा एक्स स्क्वायर अपान में 2 और अपान में एक्स के पावर 1/ एक्स के पावर 3/2 अपान में 3/2।
यानी कि ये 1/2, यानी 2 ऊपर इसमें चला जाएगा, 1/2, और ये 3/2 जो यहाँ पर है, तो ये हमारा 2/3, और इसमें लिमिट x²/(x³/3/2), तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 और ए के पावर, क्योंकि लिमिट हमारी क्या है, 0 to a है ना, तो a²/(a³/3/2), ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट जो है मिल गए। तो ये हमारा वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स आ गया, जो कि इसके क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर अगर पूरा ले लिया जाए, कह दिया जाए कि इस पूरे जो है पैराबोला का एरिया निकालिए, ठीक, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालिए, तो देखिए इसमें जी जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जब जी यहाँ आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी x, 0 ये बनेंगे, तो वाई अगर 0 हो जाएगा, तो देखिए अगर वाई की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, तो ये तो पूरा वाई एक्सिस का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेट्स होगा, वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। लेकिन जो एक्स के लिए अगर हम निकालेंगे, तो एक्स के स्थान पे हम क्या रखेंगे, एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स, ठीक, और एक्स वाई डी एक्स जो मतलब इसमें ये प्रोसेस है वही इसमें चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ यानी x²/2 बनेगा, है ना, ये लिमिट ऐसे बनेगी a 0 to a, और x और y की जगह में y के स्थान पे हम क्या रखेंगे, √4x, है ना, तो √4x/(0 to a)√4x, और ये dx हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लेना, तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकल करके आ जाएगा, यानी कि x²। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, अगर पूरा निकालना हो, सेम जो है प्रोसेस है यही। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक लिए धन्यवाद, और आगे जो इनको करना और देखना कैसे क्या है। ठीक है, कल इसके आगे और डिस्कस करेंगे जो भी होगा। ठीक, थैंक यू।